हाउस का घेराव करने के लिए ऐलान किया गया था। हमारे साथ सीपीजी सैनी है जो मुख्यमंत्री हाउस से अभी लौटे हैं। आज मुख्यमंत्री का हाउस घेराव करने की आपने बात कही थी, मुख्यमंत्री हाउस आप जाके आए हो, क्या बातचीत हुई? देखो, हमारी 11 सूत्रीय मांगी थी, उनमें से मुख्य मांगी हमारी आरक्षण और जो हमारे भाइयों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस लेने की थी। और उन मांगों पर हमारी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से बात हो गई थी और उन्हीं के बारे में आज हमारा फिर प्रतिमंडल गया था उनसे चर्चा करने के लिए, हमारी चर्चा हुई है। और हमारी जो दोनों ही मांगों पर सरकार सकारात्मक है, और जैसा कि आपने कल मुख्यमंत्री जी का ट्वीट सुन लिया था कि हमने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उस जातिगत जनगणना के अंदर जिसको जितने अधिकार है उसी अधिकार के हिसाब से हमें 11 सूत्रीय और भी आपकी मांगे थी, उन पर क्या सहमति बन पाई है? सरकार जल्द से जल्द सहमति बनाएगी, उसके लिए हमें आज मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं था, उन्होंने फिर हमें बुलाया है। आज या कल में हमारा प्रतिमंडल उनको शाम के टाइम में फिर वापस मिलेगा। और सरकार नहीं मांगी कोई बात नहीं, हमारी देखो बहनों में कितना दम है कि नहीं? बिल्कुल है। देखो, बार बार लगातार सरकार लंबे समय से आश्वासन देती आ रही है, समाज के लोगों को भी ये शिकायत रहती है कि हमें बार बार जाया जाता है, क्या लगता है? भाई देखो, अगर ऐसे ही मिल जाता कुछ तो फिर तो आप भी लेने आ जाते, सभी लेने आ जाते। भाई अभी तो लड़ाई चालू ही है, अभी पहली बार तो हम रोड पे उतरे हैं, मेरे साथ आज इतनी बहनें आई हैं, पहली बार आई हैं, आप देख सकते हो पहली बार इतना गुस्सा है लोगों में। और ये हम आंदोलन करने थोड़ी आते हैं, हम तो आनंद लेने आते हैं भाई, प्यार से तो ठीक है, निबेरा जी ले जाएंगे। देखो दोनों ही गांव हमारे पास में, सरकार को आपके चैनल के माध्यम से साफ स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए, प्यार से तो ठीक है वरना बेरा जी ले लेंगे, किसी भी हाल में ले लेंगे, वरना ठुक पिट के ले लेंगे या ठोक पिट के ले लेंगे। और अब तो हमारी बहनों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, अब मुझे डरने की चिंता भी नहीं है। लेकिन खेती किसानी से ये लोग आते हैं, इनके पास लगातार खेती किसानी में काम भी होते हैं, उनको छोड़ के आते हैं, उम्मीद से आते हैं, आप पे भी उम्मीद लगातार जताई जा रही है, क्या अब नया सीपी सैनी क्या मूवमेंट करने वाला है? देखो, सीपी सैनी थोड़ा दिन इंतजार करेगा, मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान सरकार पर कि वो सही दिशा से हमारी मांगों पे काम करेगी और जल्द से जल्द पूरा करेगी। अन्यथा अब की बार हमने कहा है ना, अब की बार जैसे आज सुबह देखा होगा कितनी पुलिस फोर्स पड़ी है, ये तो सिर्फ इस नाम के खौफ से, ये जितने भी लोग आए ना ये सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया के मैसेज से आए हैं, और अगर मैंने इनको बोल दिया तो हम 84 लोग जेल गए थे, 84 लोग मरने के लिए भी तैयार हैं, मरेंगे और मारेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, हम हमारे अधिकार चाहे आने वाली पीढ़ियाँ वो लड़े लड़े, आने वाली पीढ़ियाँ भी तैयार हैं मरने मारने के लिए, लेकिन हक और अधिकारों को छोड़ेंगे नहीं, आज लेंगे कल लेंगे। और लोगों ने भी साथ दी है, और लोगों की तो बेहतर बेहतर लोगों ने साथ दी है, तो हम क्या कमज़ोर हैं क्या? हम डबल देने के लिए तैयार हैं, हम वो डरपोक वाले लोग नहीं हैं जो कह दिया हम डर जाएंगे, अब कोई हमारी तरफ उंगली करेगा तो हम उंगली तोड़ने की ताकत रखते हैं, इसमें किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं डरते। और रही बात कोई अगर डराने की सोचता है तो ये तो शुरुआत है, अगर कोई आंखें दिखाएगा आंखें निकाल लेंगे। जातिगत गणना में 7% का और भी कोटा किया गया है, कब तक होने की संभावना ओबीसी में? देखो, अभी आज की मीटिंग सकारात्मक है और मुझे पूरा विश्वास है आगे की बातें होगी, और नहीं होगी तो आगे का स्टेटमेंट इतना खतरनाक होगा जो सोचने लायक होगा। सरकार फिर गाड़ियाँ भी फूकेंगी, थाने भी फूकेंगे और कई लोग मरेंगे भी, इसमें कोई किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है। प्रदेश भर के माली समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है, अपने खुद के लिए लड़ना सीखो, अपने खुद के लिए झगड़ना सीखो, अपने खुद के स्वाभिमान के लिए आओ, और मेरा तो वही 3 नारे हैं, हमें ब्याज मुक्त समाज बनाना है, शिक्षित समाज बनाना है और सक्षम समाज बनाना है, यही मेरा इनका मूल मंत्र है, इसी पर हम काम कर रहे हैं। और लगातार मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लगातार फिर कह रहा हूँ मैं कि अगर बातें नहीं मानी गई तो ध्यान रखना, गाड़ियां भी फूकेंगी, थाने भी फूकेंगे, लोग भी मरेंगे, लेकिन छीन ले जाएंगे हक और अधिकार, ये स्पष्ट वादा है। चुनावी साल है, इस तरीके की धमकी देना सरकार से मांग रहे हैं, मांगने का अधिकार सबको है, कोई हमें थोड़ी है। अब तुम कल नहीं बार बार कहते हो, एक ही सवाल लेके आते हैं कि मुख्यमंत्री तुम्हारा है, कहाँ का मुख्यमंत्री है हमारा भाई, है क्या भाई हमारा? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान का है और पूरी राजस्थान की कौम का है, हमारा नहीं है, वो राजस्थान के हर व्यक्ति का मुख्यमंत्री है। और जैसे और लोग छाती ठोक कर लेके जाते हैं तो हम भी लेके जाएंगे, दिया और दिया कि नहीं, वीडियो देखा होगा मुख्यमंत्री जी का, मैंने दिया तुम्हें आरक्षण और लोगों को दिया है, तो हमें देने में क्या इतराज भाई?
आज हमारे लोग जोधपुर से आ रहे हैं, कोई बाड़मेर से आए, कोई बीकानेर से आए, आज ये बहने के सारे घर परिवार छोड़ के आई है। क्यों आई? इसलिए आई है कि वो अपने हक और अधिकार लेने आई है। आप हमारी बहनों से बात करो एक बार। ये थे चंद्र प्रकाश जी सैनी, जो लगातार सैनी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। कब तक इनकी बात मानी जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार जिस तरीके से सैनी समाज आरक्षण की मांग और विभिन्न 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है।